बहुत टाइम से रेडमी की तरफ से कोई भी मिड रेंज स्मार्टफोन नहीं आ रहा था, बट फाइनली द वेट इज़ ओवर और यहाँ पे आने वाला है बहुत जल्द द रेडमी 10C स्मार्टफोन। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ इजाज और आप देख रहे हैं tech.pk। Redmi 10C एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, बट आज के टाइम पर जो हालात है उस हिसाब से ये ओवर द मिड रेंज स्मार्टफोन में जा सकता है। ये स्मार्टफोन डिज़ाइन के मामले में बहुत एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी स्मार्टफोन है। रियर पर डुअल कैमरा सेटअप एक स्क्वायर डिज़ाइन में दिया गया है, बट साथ में इर्द गिर्द कुछ कैमरा बम दिया गया है जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। और ये स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है, राउंडेड एजेस है। आजकल का जो बॉक्स ट्रेंड है उस हिसाब से स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो डेवलप नहीं किया गया है। स्मार्टफोन जो थिकनेस है वो है 8.3 mm और इसके अलावा यहाँ पर जो वेट है वो है 190 ग्राम। स्मार्टफोन जो है वो ब्लैक कलर में आता है और एक ब्लू कलर है, दो कलर है। और इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल Redmi 9C की तरह है, बट साथ में जो कैमरा बम थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है उसी की वजह से ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन दिखता है। इस स्मार्टफोन में दिया गया एक 6.7 इंच का एक HD+ रेजोल्यूशन वाला एक IPS डिस्प्ले, ड्यूल ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है, 268 KBPI डेंसिटी दी गई है। और यहाँ पर इस स्मार्टफोन पर गोरिल्ला ग्लास के यहाँ पर प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। 82% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ है और यहां पर कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं है इस स्मार्टफोन में। जी हां, एक ऑर्डिनरी किस्म का डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में, कोई भी स्मार्टफोन में ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है। और ये स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले एक 20,000 रुपये के स्मार्टफोन का डिस्प्ले है। अब प्राइस कितनी आएगी वो तो यहां पर आगे मैं आपको बताता हूं बाकी, लेकिन डिस्प्ले इतना एक्साइटिंग नहीं है। इस स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर है जो कि 6 नैनोमीटर की फेब्रिकेशन पर बेस्ड है। रीनो 610 का GPU दिया गया है, 4 GB RAM है और 64 GB का वेरियंट है। और ये स्मार्टफोन UFS 2.2 के स्टोरेज टाइप के साथ आता है। जी हाँ, एक मिड रेंज का स्मार्टफोन है बट ये स्मार्टफोन फिर भी UFS 2.2 के स्टोरेज टाइप के साथ आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। इस स्मार्टफोन में यहाँ पर एंड्रॉयड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया और MIUI 13 का वर्जन देखने को मिलेगा। अभी एक लेटेस्ट वर्जन तो नहीं है बट हाँ, ठीक है, MIUI 13 काफ़ी ज़्यादा एक डिसेंट किस्म का UI है और इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। आई विश के यहाँ पर एंड्रॉयड 12 दे देते, जो कि आजकल के एक 20-15 हज़ार के स्मार्टफोन में भी यहाँ पर एंड्रॉयड 12 प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि टेक्नो स्पार्क 90 स्मार्टफोन की बात की जाए। अभी जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 680, ये तो अराउंड हमें 35,000 से ऊपर ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर स्मार्टफोन की प्राइस की बात हो तो ये स्मार्टफोन आपको अराउंड 30,000 में ही देखने को मिलेगा। अब 30,000 रुपये में ये स्मार्टफोन मुझे फिर भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल भी 30,000 रुपये में जस्टिफाइबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही एक मामूली बहुत ही एक ऑर्डिनरी डिस्प्ले है जो कि 20,000 रुपये में जस्टिफाई करता है, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। रही बात इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो ये स्मार्टफोन जो है वो पाकिस्तान मार्केट में इसी महीने के आखिरी वीक में आने वाला है। जी हाँ, तो तैयार रहिएगा, ये स्मार्टफोन बहुत जल्द आ रहा है। इस स्मार्टफोन में रियर पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, मेन कैमरा 50 MP का दिया गया है f/1.8 के साथ और 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। जबकि फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पर ड्यूल ड्रॉप नॉच में सिर्फ और सिर्फ 5 MP का कैमरा दिया गया f/2.2 के साथ। ये स्मार्टफोन मैक्सिमम 1080p 30 FPS पर फ्रंट और रियर कैमरा से दोनों से रिकॉर्डिंग कर सकता है। HDR पेनोरामा जितने भी फीचर्स है एसेंशियल जो कि इस स्मार्टफोन में बिल्कुल भी दिए गए हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक कैमरा काम का है, रियर का 50 MP का, बाकी ना फ्रंट का काम का और डेप्थ सेंसर तो हम जानते हैं वो तो वैसे ही कैमरा नंबर बढ़ाने के लिए देते हैं। तो आई डोंट नो कि इस स्मार्टफोन की जो कैमरा होगी वो किस तरह की होगी और ये क्या ये स्मार्टफोन इस प्राइस में कैसे जस्टिफाई करेगा, जो प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ। बिल्कुल मैं सोच में पड़ गया हूँ, क्या जो प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे कम ही आएगा या इतने ही में आएगा? अगर इतने में आता है तो ये स्मार्टफोन सुपर फ्लॉप होने वाला है। इस स्मार्ट में 5000 mAh की बैटरी दी गई, 18 वाट की फास्ट चार्ज, टाइप सी कनेक्टिविटी, 3.5 mm ऑडियो जैक और एक सिंगल स्पीकर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और यहाँ पर इस स्मार्टफोन में IR ब्लास्टर तक इस स्मार्टफोन में रिमूव कर दिया गया है। तो स्मार्टफोन जो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी स्मार्टफोन है और आई थिंक अगर ये 25,000 से नीचे में आता है तो काफ़ी एक बेहतरीन स्मार्टफोन होगा। अदर देन दैट ये स्मार्टफोन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, इसके स्पेक्स आपको कैसे लगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।